आज जो पॉइंट इस बजट की हेडलाइन बना है वो है डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी पर सरकार द्वारा लगाया गया नया टैक्स। अब भारत में डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा, और इसे आप ऐसे समझिए कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल करेंसी में 100 रुपये निवेश करता है और उसे इस पर 10 रुपये का लाभ होता है, तो उस 10 रुपये में से 3 रुपये उसे टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन पर अलग से 1% TDS सरकार काट लेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी डिजिटल करेंसी में निवेश किया, यह निवेश उसका एसेट है। अब अगर यह व्यक्ति इस एसेट को किसी और को ट्रांसफर करता है तो उसे अलग से उस एसेट की कुल कीमत पर 1% के हिसाब से TDS चुकाना होगा। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी वो टैक्स जो किसी सोर्स पर लगाया जाता है। जैसे आपको हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर सरकार जो टैक्स लेती है वो TDS होता है। यानी कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक इनकम सोर्स मान रही है और उसकी कमाई पर 30% टैक्स भी अब लगा दिया गया है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगाकर इसे लीगल कर दिया है? तो इसका जवाब हां और ना दोनों में है। दरअसल सरकार केवल उसी डिजिटल करेंसी को लीगल यानी वैध मान रही है जो करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो क्रिप्टो करेंसी है जैसे बिटकॉइन, उसे डिजिटल करेंसी नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे डिजिटल एसेट माना जाएगा। और अगर आपको ये सब जटिल लग रहा है तो आप इसे समझिए कि आप जो सोना जिस तरीके से रखते हैं या जो आपका घर है वो आपके एसेट है, वो आपकी संपत्ति है, ना कि करेंसी है। ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसी भारत सरकार के लिए, अब भारत सरकार उसको एक एसेट मान रही है यानी संपत्ति मान रही है, और इस पर लोगों से टैक्स लिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी संपत्ति पर टैक्स देते हैं। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन को लीगल मान लिया गया है तो ये तकनीकी तौर पर सही नहीं होगा, हालांकि लोग इसमें निवेश कर सकेंगे। अभी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में डिजिटल करेंसी पर इसी तरह से वहां की सरकारें टैक्स लगाती हैं, जिसकी वजह से इन देशों में इस करेंसी को लीगल माना जाता है। हालांकि कुछ देशों में इस पर अपवाद भी है। भारत सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि हमारे देश में जितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है वो देश की आबादी का लगभग 8% है। इन लोगों ने अपने 70,000 करोड़ रुपए इस समय ऐसी डिजिटल करेंसी के रूप में दांव पर लगाए हुए हैं, और पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं। सरल शब्दों में कहें तो 30% टैक्स सीधे तौर पर 70,000 करोड़ रुपए के निवेश को एक गारंटी देगा, और हो सकता है कि भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ जाए। दूसरी बात, सरकार ये जानती है कि उसके इस फैसले के बाद लोग डिजिटल करेंसी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, इसलिए उसने अब एक और विकल्प दिया है, और इसके तहत वर्ष 2023 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा जो बाकी करेंसी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और स्थिर होगी। सरल भाषा में कहें तो जैसे RBI कागज की करेंसी छापता है, जिसे आप अपने हरे हरे नोटों के जरिए अपने पास रखते हैं रुपए के रूप में, ठीक वैसे ही उसकी मोहर वाली डिजिटल करेंसी भी आ जाएगी, जिससे लोग इसमें निवेश कर पाएंगे। इस बजट में एक और बात पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बतौर गिफ्ट डिजिटल करेंसी भेजता है तो इस स्थिति में जिस व्यक्ति को यह करेंसी मिलेगी उसे 30% टैक्स भरना होगा। तब भी बैंक विल बी इश्यूइंग अ डिजिटल करेंसी, currency becomes or a currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. But anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency, they are not currencies. So let's first understand, we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made. And the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals,
And in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. आज बहुत क्लियर कर दिया गया कि देखिए भाई, अगर आपके पास डिजिटल एसेट है, वर्चुअल एसेट है, इस पे 30% का टैक्स लगेगा। यानी जिसने भी पैसा कमाया और जो भी प्रॉफिट हो गया, उस पे अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पहली चीज बहुत क्लियर। दूसरी चीज, अब इसमें ट्रैकिंग के लिए क्या किया, इसने कहा कि भाई अगर आप सेल करते हैं तो 1% का टीडीएस भी जमा करना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप हाउस में अगर आप देखें कि सेल परचेज करते हैं, तो वहां भी टीडीएस की मैकेनिज्म है। जब भी आप वर्चुअल कोई एसेट बेचेंगे तो 1% का टीडीएस भी जमा करना, यानी कि ट्रैकिंग हो पाएगी किसको बेचा गया, तो उससे ट्रैक मैकेनिज्म बन पाएगा। अच्छी बात यह है कि इस बजट में उन्होंने कम से कम ये दुविधा लोगों की दूर की कि ये लीगल है या इलीगल है, क्योंकि अभी तक लोग इतना डरे हुए थे और उस वजह से बिटकॉइन के रेट गिर भी रहे थे और क्रिप्टो करेंसीज आपने देखा होगा लगातार लॉसेस में हुई, क्योंकि लोगों को समझ में ये नहीं आ पा रहा था कि ये क्राइम तो नहीं है या इलीगल तो नहीं है और रखने पर ही कोई सजा तो नहीं हो जाएगी। मेरे ख्याल से कम वहाँ एक क्लैरिटी है। डिजिटल करेंसी लोग यूज़ करना क्यों चाहते हैं, उसका रीज़न होता है कि डिजिटल करेंसी पीयर टू पीयर होती है। मेरे पास टोकन है, मैंने आपको दे दिया, तो सिर्फ आपको पता है, मुझे पता है, उसका एक लेजर में हिसाब किताब है, इसमें कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होता बीच में बैंक। तो चूंकि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें जो ट्रांजेक्शन फीस है वो बड़ी कम हो जाएगी और फास्ट हो जाएगा, और आप इंटरनेशनल लेवल पर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो वो सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं डिजिटल में, जो अभी नेशनल करेंसीज में जो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें नहीं होते, या स्लो होता है, या चैलेंजेस हैं। तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा यदि एक लीगलाइज्ड डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है, जो कह रहे हैं 22-23 तक ले आएंगे, तो ये एक बहुत बूस्ट देगा गवर्नमेंट की इकोनॉमी को, जो जीडीपी है उसको, क्योंकि लोग फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करके जो पेमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सुनिश्चित तौर पर एक कानूनी मान्यता भी प्रदान की जाएगी, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो कोई भी एसेट या करेंसी खरीद रहे हैं या उसको बेच रहे हैं और उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट प्रिजम्पशन मान लिया जाएगा कि क्योंकि मैं टैक्स दे रहा हूं, इसलिए कानून मुझे इस तरह के क्रिप्टो एसेट्स की ट्रांसफर या खरीद फरोख्त की इजाज़त देता है। तो उससे अल्टीमेटली होगा ये कि भारत में जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, उसको ज़्यादा सहायता मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी, और भारत क्रिप्टो इकोनॉमी की ओर एक सुदृढ़ रूप से बढ़ पाएगा। पिछले 1.5 साल से किसानों के मुद्दे पूरे देश में छाए रहे हैं। किसान बहुत परेशान भी रहे इस दौरान, उन्होंने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया, और लगातार किसानों के मुद्दों की बात होती रहती है। तो अब आपको ये बताते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए क्या है। सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि वो आने वाले वित्त वर्ष में MSP पर किसानों की फसल की रिकॉर्ड खरीददारी करेगी। अनुमान है कि 1,63,00,000 किसानों से 1,208,00,000 मेट्रिक टन गेहूं और धान MSP पर खरीदा जाएगा, और इसके लिए 2,37,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे किसानों की आय दुगुना करने में मदद मिलेगी। पूरे देश में सरकार द्वारा MSP पर सबसे ज्यादा फसलें पंजाब के किसानों से खरीदी जाती हैं, और उत्तर प्रदेश भी इसी सूची में है, और इन दोनों ही राज्यों में चुनाव है, और यहां किसान आंदोलन का भी काफी प्रभाव रहा था, इसलिए यह चुनाव से पहले केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम है। और इसके अलावा सरकार ने कुछ और ऐलान भी किए हैं, जैसे गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा, नेचुरल फार्मिंग और लैंड डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की मदद से एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए लोन दिए जाएंगे, यानी अब कृषि क्षेत्र में छोटे छोटे स्टार्टअप्स आएंगे जो इस क्षेत्र को व्यापार की एक नई दिशा देंगे। तो अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो व्यापारी बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो अब वो कृषि के क्षेत्र में भी अपनी छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। ऐसा होने से जो युवा अभी कृषि क्षेत्र से दूर होते जा रहे हैं, जिन्हें अब खेती नहीं करनी, कुछ और करना है, वो नए स्टार्टअप्स के जरिए कृषि की तस्वीर बदल पाएंगे। ये मॉडल अमेरिका में भी अपनाया गया था, जिससे वहां युवाओं को बहुत फायदा हुआ, और ये धारणा बदल गई कि खेती करना नुकसान का सौदा है, यानी अब खेती को एक अच्छे व्यवसाय के रूप में भी बदला जा सकता है। इस बजट में राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा ऐलान है। अब तक नेशनल पेंशन स्कीम में सेविंग करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को टैक्स में 14% की छूट मिलती थी, और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10% की छूट मिलती थी, लेकिन अब इसे राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी 14% ही
कर दिया गया है, यानी अब उनको मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया गया है। युवाओं के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। सरकार ने नए स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। अभी तक 2021 में शुरू हुए नए स्टार्टअप्स को अगले 3 साल तक कोई टैक्स सरकार को नहीं देना था, लेकिन अब इसकी समय सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी और सरकार 30 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए भी नई योजनाएं लाएगी। तो युवाओं को असल में सरकार ये कह रही है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों पर ही आश्रित मत रहिए, अपना काम करिए, परिश्रम करिए, अपनी कोई स्टार्टअप इस्तेमाल शुरू कीजिए, और जो अलग अलग आपको नौकरियों के जो अवसर दिए जाएंगे अब आने वाले 1 साल में, उनका भी उपयोग आप कीजिए। अब ये देखिए कि इस देश के कारोबारियों को बजट से क्या मिला। सरकार ने MSME सेक्टर को अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज दिया है। MSME का अर्थ छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों से है। सरकार ने यह भी कहा कि जनवरी में उसने 1,40,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड GST कलेक्शन किया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।